दिल्ली एनसीआर में तापमान का तेवर चढ़ने के साथ साथ सूरज की तपिश भी बढ़ने लगी है। इसकी वजह से दिन में जहां गर्मी महसूस हो रही है, वहीं रात में भी बहुत हल्की ठंड रह गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले सप्ताह तक तापमान और गर्मी में इजाफा होगा। उससे पहले आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कल से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। हालांकि कल और परसों तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है और हवाओं की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को हल्की बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं देखा गया। दिल्ली में बुधवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का स्तर 24 से 78% रहा। वहीं दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक। आंशिक तौर पर दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और नोएडा में भी बादल छाए रह सकते हैं। बात की जाए गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है और मौसम यहां साफ रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण मौजूद है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI मध्यम श्रेणी में रहा है और यह 146 है। वहीं नोएडा में AQI 137 दर्ज किया गया है और गुरुग्राम में 132। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।